सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि एनसीएल के अभी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, जो एनसीएल बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्या हो रहा है। तो एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को आप कैसे बनाएंगे, आप खुद से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और घर बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं ब्लॉक वगैरह चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप घर बैठे बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से आप एनसीएल बनाना है और कितने दिन में प्राप्त होगा। जैसे 2 से 3 दिन मैंने बताया कि 2 से 3 दिन में कैसे प्राप्त होगा, तो चलिए मैं आपको एनसीएल बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से एनसीएल बनेगा कि आपको 2 से 3 दिन में आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल बॉक्स में RTPS सर्च करना है। इस तरह से इसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद पेज इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो RTPS का। ओके, यहाँ पर आने के बाद लॉगिन का सेक्शन जो यहाँ पर दिया है, इस पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के लिए आगे बढ़ने वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस प्लस का जो मेरी पहचान का जो ID है इसको ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड बनाना होगा। तो यूजर ID एंड पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो यूजर ID पासवर्ड बनाने के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहां से आप देख लीजिए और अपना यूजर ID एंड पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर ID पासवर्ड बनाने के बाद आप किसी की तरह का भी जाति, निवास, आय, करेक्टर सर्टिफिकेट हो या और भी इससे रिलेटेड हो, सभी चीज़ इसमें आप बना सकते हैं। चलिए मेरे पास ID एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर ID पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपना ID डाल लिया हूँ। साइन इन का सेक्शन, साइन इन पर क्लिक करूँगा। OTP मेरे मोबाइल पर आएगा, जो आपने इस नंबर पर आपको जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम आपको एक OTP दे गया होगा। तो OTP का आपको दर्ज कर लेना इस तरह से। OTP डालने के बाद यहाँ पर साइन इन का सेक्शन इस पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पर साइन इन होने के बाद आपको क्या करना है, साइन हो जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस का सेक्शन इस पर क्लिक कीजिएगा और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर सर्विस प्लस के जितने भी सारे आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस है, यहाँ से आपको सभी चीज़ मिलेगा। और यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी बनाना है, जिसमें मुझे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है तो नॉन क्रीमी लेयर इस तरह से सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको ढेर सारा नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ पर बिहार लेवल का बनाना है और यहाँ पर इंडिया लेवल का भी होता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो आपको NCL देना है आपको अपने, अगर बिहार SSC के लिए आप अगर फॉर्म के लिए NCL आप देना चाहते हैं तो ये वाला आपको ऑनलाइन करना होगा। जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार RO लेवल का जो है यही वाली करना होगा। अगर आप पूरे आपको अगर इंडिया लेवल का अगर चाहिए तो यहाँ पर इंडिया लेवल का यहाँ पर दिया, इससे आप कर सकते हैं। तो मैं बिहार लेवल का करना चाहता हूँ। बिहार लेवल वाला सेकेंड वाला सेक्शन जो है यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर क्लिक करते ही पेज ओपन होगा, जहाँ पर डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन खुलेगा। जो आपको डिटेल्स फिलअप करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में आपको पूरा कंप्लीट रखना है, जैसे जाति, निवास, आय, एक शपथ पत्र होता है, जो मैं आपको शपथ पत्र दिखाऊंगा किस तरह से होता है और किस तरह से भर के फिलअप करना है, साथ में फ़ोटो, आधार कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको कंप्लीट करके रखना है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डिटेल कहाँ फिलअप करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है, इसी तरह से आप रहने दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत है, यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कीजिए, कोई अभिभावक नहीं है यानी नो शो, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालिएगा, यानी कि जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं NCL उनका नाम डालिएगा यहाँ पर। जैसे मैं अपना यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर चुका हूँ। नाम टाइप करने के बाद स्पेस जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप फिल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आधार नंबर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणित करना होगा, यानी OTP देना होगा अगर आधार नंबर डालेंगे तो। इसलिए बेटर है कि आप आधार नंबर नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तीसरा में आता है आवासीय, यानी कि रेसिडेंशियल का यानी परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। तो यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा।
जो अनुमंडल आपका होगा अनुमंडल का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अंचल का जो हो यानी ब्लॉक जो होगा ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर गांव या मोहल्ला का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर वार्ड नंबर डाल लीजिएगा। यहाँ पर पुलिस स्टेशन डाल लीजिए जो भी पुलिस स्टेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर डाक पोस्ट ऑफिस का नाम डालिएगा। यहाँ पर होल्डिंग नंबर छोड़ देना है। यहाँ पर सर्कल नंबर भी छोड़ देना है। पिन कोड यहाँ पर डाल लीजिएगा। ओके, अब आता है यहाँ पर आपको स्थानीय निकाय प्रकार किस तरह का है। जैसे कि यहाँ के नगर ग्राम पंचायत वाले हैं या नगर निगम वाले हैं या नगर परिषद या नगर पंचायत, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा आप जिस भी मेथड से आप रहते होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत में रहता हूँ, ग्राम पंचायत वाला सिलेक्ट करूँगा, तो आपका यहाँ पर पंचायत का नाम आएगा। जो भी पंचायत होगा आपका उस पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और जो आप ऊपर में सिलेक्ट करेंगे ना उसी के अनुसार यहाँ पर पंचायत का नाम आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर ऊपर जैसा सेम एज वाला पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सब फिल हो जाएगा इस तरह से। ओके, और इसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आएगा कैटेगरी सेलेक्ट करने का भी कौन सी कैटेगरी से है, तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जाति का नाम सेलेक्ट करना होगा तो जाति का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अपना जाति का नाम सेलेक्ट कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पर उप जाति सेलेक्ट आपको छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेशा आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप होंगे आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर पिताजी का नाम डाल लीजिएगा। पिताजी का नाम यहाँ पर जैसे ही इंग्लिश में डालेंगे स्पेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नाम मैं टाइप कर लेता हूँ, इस तरह से अगर टाइप करेंगे स्पेस दीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिलअप हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, इस तरह से डाल लीजिएगा। यहाँ पर आपको अगर लेडी का बना रहे होंगे तो यहाँ पर हस्बैंड नाम डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर माता जी का नाम डालिएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, अगर ईमेल आईडी डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर होता है यहाँ पर 12 नंबर में अभिभावक की स्थिति, तो यहाँ पर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको डालना कहाँ पर है चलिए मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ जो आय लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको केवल डालना है। जो नौकरी से आए हैं कितना है तो आप डालेंगे, नहीं है तो जीरो डालेंगे। व्यवसाय से कितना है तो यहाँ पर अपने अनुसार डाल लीजिएगा। और यहाँ पर पेंशन से आया कितना है तो अपने अनुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर कृषि से आया कितना है तो अपने अनुसार यहाँ डालिएगा। जो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट होगा ना उस सर्टिफिकेट पर जो दिया होगा वही यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, यानी जिस अनुसार से आपको सर्टिफिकेट पर इनकम सर्टिफिकेट पर है यानी आय प्रमाण पत्र पर वही यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों बॉक्स में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर शपथ पत्र दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं यानी रेसिडेंशियल। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, आय दे रहे हैं आय सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ज़मीन का रसीद दे रहे हो तो ज़मीन का रसीद आप भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैं इतना सारा डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर इतना सारा सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा बॉक्स इसमें फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैंने डिटेल सारा फिल कर लिया है, जो मैंने आपको बताया उस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ मैं। यहाँ पर जो भी मैंने आपको डिटेल्स अभी जिस तरह से बताया वो सारा डॉक्यूमेंट फिलअप करने के बाद, डिटेल्स फिल करने के बाद, अब आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर कैप्चा बॉक्स फिलअप कर लेना है इस तरह से। और फिलअप करने के बाद यहाँ प्रोसीड का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप पूरा डिटेल फिल करके यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो इस तरह से प्रोसेस आएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है सभी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो डिटेल आपने फिलअप किया है। तो इस तरह से डिटेल्स मिला लीजिएगा पूरा। ओके, मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद अटैच एन एक्सपर्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन खुलेगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए फॉर्म नंबर 11 यहाँ पर डालना है। जो ये फॉर्म नंबर 11 कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर गूगल पर सर्च कीजिएगा आपको एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर, इस तरह से टाइप करने के बाद ये वाला ओपन होगा। यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ इस तरह से मिल जाएगा। यही वाली को आपको क्या करना है, फिलअप करके आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर जैसे अपना नाम डालिएगा, पिताजी का नाम, गाँव शहर पोस्ट ऑफिस जो भी होगा, यहाँ पर जाति का नाम लिख लीजिएगा अपना। ओके, इसके बाद यहाँ पर अपना डिटेल आय का जो भी होगा यहाँ से अपने अनुसार लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर डेट एंड टाइम दे लीजिएगा और डेट एंड स्थान का नाम डालिएगा। इसके बाद आपको अटैच कर देना है यहाँ पर इस वाले में। आपको पीडीएफ फॉर्म में रखना है, 200 KB से कम होना चाहिए सभी को। चलिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सारा को फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट सारा यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे मैंने डॉक्यूमेंट ये सब जो भी मैंने सेलेक्ट किया वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। सेव एनेक्स पर क्लिक करना है यहाँ से।
आपको डॉक्यूमेंट आप हमेशा याद रखेंगे 200 KB से कम होना चाहिए। आप PDF, JPG कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन PDF डालिए तो बेस्ट रहेगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से पूरा आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। इसके बाद प्रोसेस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो आपको डिटेल्स जितना भी फिलअप किए हैं वो सब डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा आपको, तो आपका फॉर्म इस तरह से सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। इस रिसिप्ट पर आपको लिखा हुआ होगा कि कब आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा हुआ डेट 30/10/2023 को प्राप्त होगा, 21 दिन कार्य दिवस के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको इतना दिन टाइम लगता है इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर टाइम, यहाँ पर 30/10/2023 यानी 21 दिन जो लिखा हुआ है, अब इसको टाइम को कैसे आप मैनेज करेंगे। टाइम आपको 2 से 3 दिन के अंदर अगर चाहिए तो आप इस तरह से ऑनलाइन आपको इसी तरह से करना है। आपको कोई प्रोसेस अलग नहीं है, इसको ऑनलाइन अलग तरीका से करना है, तत्काल बनाना है, आपको जल्दी में चाहिए तो कैसे करेंगे, तो आपको कोई इस तरह के नहीं है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको इसी तरह से करना है, लेकिन अब ऑनलाइन करने के बाद आपका जो ब्लॉक होगा, आपका ना नियरेस्ट ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंतर्गत आप आते होंगे, जिस अंचल के अंतर्गत आते होंगे, उस ब्लॉक में जाना है इस वाले सर्टिफिकेट को लेकर। ओके, इस वाले रिसीविंग को लेकर जाइएगा और वहाँ पर जो ऑपरेटर होंगे उनसे बात कीजिएगा, सर मुझे ज़रूरत है अर्जेंट के लिए, मुझे फॉर्म भरना है और मुझे जल्दी वेरीफाई कर दीजिए। तो उनको आपको रिक्वेस्ट करने के बाद आपको ये जल्दी वेरीफाई कर देंगे, सो 2 से 3 दिन में आपको कम्प्लीटली 100% बन जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अर्जेंट ज़रूरत है और अर्जेंट ज़रूरत है तो रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों के पास इतना अधिकार होता है कि जिनको अर्जेंट ज़्यादा अगर ज़रूरत होता है तो तत्काल में आपको जल्दी वेरीफाई कर देंगे। तो उनको आपको रिक्वेस्ट कीजिए तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो इसके अलावा आपको आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि अगर बिना रिक्वेस्ट किए अगर 2 से 3 दिन में हो जाए तो कभी ऐसा होने वाला नहीं है, तत्काल इसका भी नहीं बनता है। आपको डायरेक्ट जो भी है जनरल तरीका से इसी तरह से बनता है। आपको बनाने के बाद आपको अपने फॉर्म को प्रिंट कीजिए, प्रिंट करने के बाद अपने जहाँ पर ब्लॉक है वहाँ ब्लॉक में जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए और आपको 2 से 3 दिन में आपको रिक्वेस्ट करने के बाद आपको तुरंत आपको वेरीफाई करके दे देंगे, आप तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना तत्काल वाले 2 से 3 दिन के अंतर्गत बना सकते हैं, तत्काल इसी को बोल दिया जाता है और ये तत्काल अंतर्गत नहीं बनता है, ये जनरल ही होता है, इसी का आप वेरीफाई करा सकते हैं। इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट को क्लियर करा सकते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा और शपथ पत्र का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो जहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।